अभ्यर्थी टोटल 30 है, 20 पुरुष 10 महिलाएं। जो अभी तक बात आई है सामने, जो सिर्फ पैसे जो थे वो आगे दिए गए हैं पैसे, वो पेपर खरीदने के लिए, अभी तक अभ्यर्थी से, जो प्राथमिक जांच में अभ्यर्थी से कोई पैसे लेना देना अभी सामने नहीं आया था, लेकिन उनकी बात पूरी कितने पैसों में उनके साथ सौदा किया गया वो निश्चित हो चुका था। वो है, वो आर एस वगैरह की तैयारी करता है सुरेश थोरी, हाँ सुरेश थोरी। तो हम शुरू कर ले क्या फिर मुझसे? फिर आप मोटा वो एकदम पूरी डिटेल मत पूछिएगा क्योंकि मेरे पास था, मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ। कर्मचारी का ऐसा लिया है LDC, पता नहीं मेरे, मतलब अभी तक तो मेरे सामने नहीं आया है। जो दो केसेस है उसमें एक महिला है शायद और एक पुरुष का है शायद, है ना? जो आरोपी एक तो आरएस की जो सुरेश थोरी है वो तो आरएस की तैयारी कर रहा है और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनकी तैयारी कर रहा है, और जो दूसरा है इसका कैरू में कंप्यूटर सेंटर है, ये कंप्यूटर सेंटर में तैयारी कराता है, पर उनकी जैसे PDGSCA वगैरह कराते हैं, तो उसी दौरान सुरेश थोरी और मुकेश जोशी की आपस में मुलाकात हुई थी, और फिर इन्होंने आगे इनसे संपर्क, इसका इनका प्रवीण जो बिश्नोई है उनसे संपर्क हुआ था, और अभी पिछले कुछ दिनों से इनकी आपस में इसी चीज की तैयारी चल रही थी।